नमस्कार, मैं हूं प्रभास पांडे। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। 8 सीटों पर कांग्रेस का मंथन, बंडा देवरी से विधायकों पर सहमति, नरियावली बीना से खटिक अहिरवार के टिकट की संभावना। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 25 सितंबर तक प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने की तैयारी में है। हाल ही में दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 100 से अधिक नामों पर मंथन हुआ है। कांग्रेस पहले उन निर्विवाद सीटों पर प्रत्याशी घोषित करना चाहती है जहाँ कांग्रेस का कब्जा है और दावेदार मजबूत स्थिति में है। सागर जिले की 8 सीटों की बात करें तो बंडा से कांग्रेस विधायक तरवर सिंह लोधी व देवरी से विधायक हर्ष होटल की बिक्री रोकने एसडीएम को लिखा पत्र। आरोपी हीरालाल ने बेला की बावड़ी पर होटल का निर्माण किया है। यह खुलासा घोटाले में सामने आए एक खाता धारक से पूछताछ में हुआ। खाता धारक ने बताया कि उसे हीरालाल ने बेला की बावड़ी पर नमन राज होटल एंड रेस्टोरेंट का निर्माण करने के लिए खाते में ट्रांसफर की थी। इस होटल की बिक्री रोकने के लिए एएसपी ऋषिकेश मीणा ने एसडीएम को पत्र लिखा है। जांच आगे बढ़ने पर घोटाले की राशि 19 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ तक पहुँच सकती है। जो घोटाला उजागर हुआ है वह 2018 के बाद का है, जबकि विभागीय सूत्रों के अनुसार घोटाले की यह प्रक्रिया उससे भी काफी पहले से चल रही थी। भाजपा नेता और वकील के बीच विवाद, पुलिस के सामने जमकर हुई मारपीट। जबलपुर में भाजपा नेताओं ने पुलिस के सामने ही वकील और उसके साथियों से जमकर मारपीट की। घटना ओमती थाना के अंबेडकर चौक के पास की बताई जा रही है। मारपीट का अब वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद हो रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही ओमती थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सामने ही भाजपा नेता वकील के साथ मारपीट करते रहे। पुलिस ने विवाद होता देख वकील और उसके साथियों को गाड़ी में बैठा लिया। उसके बावजूद भी भाजपा नेता और उसके साथियों ने उसे बाहर निकाला और मारपीट की। उज्जैन जिले के खाचरोद में इंदौर से जोधपुर जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में 3 की मौत हो गई है, करीब 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चीन के रक्षा मंत्री ली सांगफू 2 हफ्ते से सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आए हैं। क्या चीन उनके खिलाफ कोई कदम उठा रहा है? एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक ने चीन के रक्षा मंत्री के पब्लिक में न देखे जाने पर सवाल पूछा है। जापान में अमेरिकी राजदूत राहम एमेनुअल ने सी लांगफू के गैर हाजिरी के बारे में कयास लगाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि चीन की सरकार में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम से कहां हुई चूक? जब तक पिच पर शुभमन गिल थे, भारत जीत की ओर बढ़ता दिख रहा था, लेकिन उनके आउट होने के बाद भारतीय टीम भी हार गई। कनाडा में सिख छात्र पर हमला, भारतीय मिशन ने की निंदा। सीटीवी न्यूज के खबर के अनुसार यह घटना सोमवार के केलोना में रटरलैंड रोड साउथ और रॉपसा रोड ईस्ट चौराहे पर हुई, जहां हाई स्कूल के छात्र को कथित तौर पर लात मारी गई, मुक्का मारा गया और मिर्च स्प्रे छिड़का गया। यह घटना तब हुई जब सिख छात्र घर जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन बस से उतर रहा था। पुलिस ने हालांकि इस घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी है। भारत में प्रमुख विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने तय किया है उनके नेता कुछ न्यूज एंकरों के शो में भाग नहीं लेंगे। इंडिया की तरफ से अलग अलग न्यूज चैनलों के ऐसे 14 एंकरों की सूची जारी की गई, जिनके बहिष्कार का फैसला लिया गया है। गठबंधन की तरफ से कहा गया है कि नफरत भरे न्यूज डिबेट चलाने वाले ऐसे टीवी एंकरों के बहिष्कार का फैसला किया गया है। भारत में यह ऐसा पहला बड़ा मौका है जिसमें किसी राजनीतिक दल या गठबंधन ने सामूहिक तौर पर इस तरह का फैसला लिया है। ऐसी जानकारी जानने के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।